नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरी का एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानून इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती है वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो ये कि कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस से जुड़े कानून की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चेक बाउंस से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कुछ हैं, क्या हैं चेक बाउंस से जुड़े कानूनी प्रावधान, और इसके लिए आप कानूनी सहायता के लिए डायल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात यहां पर रख सकते हैं और आपकी तमाम समस्याओं का समाधान यहां पर किया जाएगा। मुद्दा आज का चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है, और चेक बाउंस से जुड़े कानूनी प्रावधान अगर आपको जानने हो या फिर किसी तरह का आपका केस, कोई परेशानी आपको हो रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में, लीगल हेल्पलाइन में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं अंकिता चौधरी राठी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकिता जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आज चेक बाउंस रिलेटेड जो बात की जा रही है, चेक बाउंस रिलेटेड क्या कुछ कानूनी प्रावधान और कैसे कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं इसके। चेक बाउंसिंग जो है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट है प्रॉमिसरी नोट, सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द थर्ड इज चेक। तो जो चेक बाउंसिंग के जो मैटर आते हैं, जो चेक है दैट इज अ पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और उसी के अंडर जो है चेक बाउंसिंग का जो प्रावधान जो अट्रैक्ट होते हैं वो है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जितने भी मैटर्स आते हैं, जब जो इसमें तीन पार्टीज हैं जिनका मुख्य रोल होता है, जब आप भी आप एक जो ड्रॉअर है, ड्रॉई है और जो पेई है, ड्रॉअर होता है जिस जिन्होंने चेक बनाया है, ड्रॉई होता है कि वो ड्रॉअर जब बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि जब अगर कोई ये चेक जो चेक है जो आपके सामने प्लेस होगा उसको पे करना है, एंड द पे जिसको उसका बेनिफिट मिलेगा जिसके नाम पे चेक इशू है। तो ये जो तीन है ये इसकी मुख्य पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड द पे। तो उसी के भाव पे अगर जो चेक है वो बाउंस हो जाता है, बैंक के सामने प्लेस करते हैं चेक और वो बाउंस हो जाता है, जब उस टाइम पे चेक बाउंसिंग के जो केसेस है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो अट्रैक्ट होता है। इसके बारे में अंकिता जी हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक सीतापुर से जुड़ चुके हैं, अमित। अमित, स्वागत है आपका। किस तरह की आपको परेशानी आ रही है, अपना सवाल रखिए। अमित, क्या कहना चाहते हैं आप, अपना सवाल रखिए। सर, सवाल हमारा ये कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था सर, वहाँ से मुझे चेक मिला था जी, और मेरा जो पहले अकाउंट था उसमें नाम दूसरा था और चेक मिला सर वो दूसरे नाम से मिला है। अच्छा जी जी। और सर अब मैंने बाद में जब अकाउंट खुलवाया तो वो कह रहे हैं कि ये चेक पहले का है, अकाउंट बाद में खुला है, तो सर वो चेक बदलवाने के लिए कह रहे हैं। और सर कंपनी में चेक देना पड़ेगा, कंपनी में चेक देना पड़ेगा सर, वो लोग कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भी चेक बदला नहीं जाएगा, ये अभी वैलिड है। तो ये आपकी परेशानी है, तो इसमें क्या समाधान किया जा सकता है अंकिता जी? सबसे पहले अगर आपको कंपनी ने चेक दिया है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी कंपनी का जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, वो डायरेक्टर भी हो सकता है या उन्होंने किसी को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने बनाया हुआ है कि जो भी कंपनी के अफेयर्स को डील करेगा, आप पहले उनसे कॉन्टेक्ट करिए। जो भी दूसरा इसमें जो आप बता रहे हैं कि चेक में जो डिस्टर्बेंस आ रही है
वो आप जो भी आपकी अकाउंट डिटेल्स हैं, जो आपके आपकी अकाउंट होल्डर में जो आपका नाम लिखा हुआ है, आप वो अपनी पूरी प्रॉपर डिटेल्स दी जा सकती हैं। आप जहां से चेक इशू हुआ है जिस कंपनी से, कि ये आपकी प्रॉपर अकाउंट डिटेल्स है। प्लस अगर आप अपने जिस नाम से ऑलरेडी चेक इशू हो चुका है और आपका जो नाम है, आप अपने बैंक में जहाँ पे आपने अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, आप उस बैंक में आप उस चेक को प्लेस कर सकते हैं एनकैशमेंट के लिए। और अगर वहाँ से किस ग्राउंड पे अगर वो बाउंस हो रहा है, उसके बाद ही कोई आगे कार्रवाई की जाए। अंकिता जी, एक बात जो यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर अड़ंगा लगाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, कि दोबारा जब उनसे कहा जा रहा है कि आप जिस नया नाम जो है, जिससे अकाउंट है उससे चेक दीजिए, तो अड़ंगा कंपनी की तरफ से लगाया जा रहा है, तो इसमें वो शायद मदद मांग रहे थे कि इसमें वो क्या कर सकते हैं। इसमें ये मदद कर सकते हैं कि पहले तो ये अपनी जो भी इनकी प्रॉपर अकाउंट डिटेल्स है, जिस नाम से इन्होंने अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, वो एक प्रोवाइड कर दे। दूसरा ये अगर इनके जो अभी अकाउंट डिटेल्स में अगर प्रॉब्लम है, तो ये इवन जो इनका कंसर्न्ड बैंक है उसमें भी ये अपने डिटेल्स दे सकती हैं कि मेरा ये अकाउंट है, मैं इस कंपनी में काम करता था, या इस कंपनी का जो चेक है मुझे इशू हुआ है, तो ये जो डिटेल्स हैं ये सेम डिटेल्स है, तो आई थिंक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ राजधानी दिल्ली से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी, स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, बताइए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो जी, कहिए, अपनी बात पूछिए। जी सर, मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ। मैंने 15-16 लड़कों से काम कराया था। अच्छा। और जो जिसके हमने काम करा था, वो ठेकेदार पैसे लेके भाग गया, कम से कम 5-6 लाख रुपए। अच्छा। तो सर, हमने काफी कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पुलिस वाला एक्शन ही लेके राजी नहीं। अब जहाँ भी जाते हैं धक्के मिलते हैं, जहाँ भी जाए धक्के ही मिलते हैं, कोई सुनवाई हो रही। सर, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। एक ठेकेदार से इन्होंने काम करवाया था, एक ठेकेदार ने इनको काम दिया था और इन्होंने 15-16 लड़कों से काम कराया, उसका पेमेंट देना था, लेकिन अब ठेकेदार ही यहाँ पर गायब हो गया। अब इनको बड़ी परेशानी हो रही है, जहाँ जा रहे हैं हम हर जगह उम्मीद टूटती नजर आ रही है। इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरह से कानूनी मदद? इसमें कानूनी मदद पहले तो अगर उसमें देखना पड़ेगा, जो भी पेमेंट की रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसमें ये देखें कि जो पेमेंट हुई है वो क्या चेक के थ्रू हुई है। अगर वो चेक के थ्रू हुई है, या वो चेक जो इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक उन्होंने दिए हैं इन्हें, तो वो चेक बाउंसिंग से रिलेटेड मैटर बनेगा। क्योंकि अगर जहाँ पे चेक ही नहीं है, तो वो मैटर 138 में जो चेक बाउंसिंग के मैटर में नहीं आता है। उस केस में जो फ्रॉड है, आप वहाँ जा सकते हो, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू चेक बाउंसिंग। तो पहले अगर चेक से रिलेटेड मैटर है, तो ही हम चेक बाउंसिंग के जो भी ऑफेंस है वो उसमें अट्रैक्ट हो। तो आप ये फ्रॉड का यहाँ पर अगर आप केस करना चाहें, तो आप फ्रॉड का केस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि कोई चेक आपको नहीं मिला है और सीधे आपको वो ठेकेदार गायब हो गया, तो आप फ्रॉड का यहाँ पर केस कर सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि चेक बाउंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ एक और दर्शक, लगता है संपर्क हमारा टूट चुका है। दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर उनको कोई समस्या आ रही है चेक बाउंस रिलेटेड, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अंकिता जी, जो बात यहाँ पर कर रहे थे, और आपने जैसे बताया कि तीन पार्टीज यहाँ पर होती हैं, और इन तीन पार्टीज को लेकर सबसे ज्यादा लोगों में कन्फ्यूजन होता है, तो इस बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ पर मिल सकती है, जैसे लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले जो सेक्शन 7 है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, विच टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ड्रॉअर, ड्रॉई एंड द पे, इनकी डेफिनेशंस के बारे में ये बात करता है। ड्रॉअर द पर्सन हु इज मेकिंग द चेक, जो चेक बना रहे हैं। ड्रॉई, जिसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ड्रॉअर के कहने पे कि अगर चेक प्लेस हो रहा है तो किस इंसान के नाम पे चेक हुआ है, दैट इज द ड्रॉई। ड्रॉई इज द बेसिकली अ बैंक। एंड द पे, जिसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। कि जिसको पैसे मिलने हैं वो पे ही है, ये तीन है। दूसरा जो इसमें आता है कि चेक कहाँ प्लेस करना है, और अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद क्या कोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है, क्या कानूनी कार्रवाई है जो की जानी चाहिए, कहाँ पर वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, इन ये जो मेन इसके क्राइटेरिया हैं, जिन पे जो इसका मूल उद्देश्य रहता है एक्ट का, कि अगर यहाँ पे अगर जो भी कंप्लेनेंट है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो कहाँ पे उसको केस कंप्लेंट। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि अगर चेक बाउंस होता है या फिर इस तरह की परेशानी आती है तो क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बल्लभगढ़ से, प्रीति। प्रीति, स्वागत है आपका। किस तरह की आपको परेशानी आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ जी सर, कहिए प्रीति। सर, वो मैं नॉन बैंकिंग बैंकों में काम की थी सर, तो अब उसमें ना सर वो मैच्योरिटी ना दे रहे हैं सर टाइम से।
टाइम से क्या वो दे ही न रहे हैं, एक साल हो गया मैच्योरिटी के सर, और ऑफिस भी बंद कर दिए हैं, और जो हेड ऑफिस था जो सोनीपत में था वहाँ से भी बंद कर रखे हैं सर। आपने कहाँ ज्वाइन किया था, कहाँ आपको श्योरिटी नहीं मिल रही, एक बार फिर से बताइए। सर ज्वाइनिंग की थी मैं बल्लभगढ़ में। अच्छा, बल्लभगढ़ में ज्वाइनिंग की थी, एक राखी मैडम थी, राखी चौहान, वही मुझे ले गई थी सर। वो बताई कि चलो ऐसे ऐसे खूब बैंकों की तारीफ की, फिर मैं उसमें फंस गई सर। एक साल तो उसमें काम चला सही से, 2013 में काम चला, 14 तक काम चला सर। 15 के बाद जो 15 में हम लोग पैसा डाले जो अब तक मैच्योरिटी न हुए हैं सर। अच्छा, मैच्योरिटी नहीं। मैच्योरिटी के केसेस में क्या होता है, आप एक सूट फॉर रिकवरी फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। आप सूट फॉर रिकवरी फॉर रिकवरिंग मैच्योरिटी अमाउंट, उसके लिए एक सूट दाखिल किया जाता है सिविल कोर्ट में, जहाँ पे आप अपने पूरे फैक्ट्स बता सकते हैं। बिकॉज ये जो महिलाएं जिन्होंने फ़ोन किया है, इन्होंने ये बता रही है कि एक बैंक में काम कर रही थी और इनकी मैच्योरिटी है, उसकी पेमेंट नहीं की जा रही है, तो उसके लिए आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कीजिए। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, विवेक। विवेक स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, एक्चुअली में मेरा एक कास्टिंग का वर्क काम है, मैं कास्टिंग करता हूँ। तो एक मेरे पास एक अहमदाबाद की एक पार्टी आई, तो मुझसे बोली कि ना आप ये रोड बनाइए हमारा और हम आपको कंपनी में आपको काम देंगे बहुत। और उसने हमारे साथ क्या फ्रॉड किया कि यहाँ पर वो आए और वो पूरा माल ले गए और मुझे चेक दे गए। अच्छा। और ऐसे ऐसे दो अमाउंट के चेक हैं उनके और दोनों डिसऑनर हो चुके हैं उनके। अब मैं रोज उनसे बात कर रहा हूँ, रोज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पार्टी कुछ भी बस करा रहा हूँ और वो नहीं कर रही। इसमें क्या किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, आपकी आपकी समस्या का यहाँ समाधान किया जाएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आप जब आपने वो जो वो पोस्ट डेटेड चेक देके गए हैं, उस दिन से जो उसमें तारीख लिखी हुई है उस दिन से 6 महीने या जो उसका वैलिडिटी पीरियड है, जो भी पहले की डेट जो फिनिश होती है, आपको वो चेक अपना जहाँ पे आपने अपना अकाउंट मेंटेन किया हुआ है जिस बैंक में, उस वहाँ पे आप उन चेक्स को प्लेस कीजिए। वहाँ से अगर चेक क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चेक क्लियर नहीं होता है और चेक है वो डिसऑनर हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, जो बैंक से एक मेमो आता है आपके पास में इनसफिशिएंट फंड्स का, तो इनसफिशिएंट फंड्स के मेमो आने के 15 दिन के अंदर जो भी पार्टीज जो आपको चेक देकर गई हैं, आपको उनको एक नोटिस देना होता है। और ये जो 15 दिन का जो सीमा जो तय हुई है, समय सीमा, ये एक सीमित है 15 दिन के अंदर कि आपको एक उनको नोटिस देना है कि उसमें आपको सारे फैक्ट्स लिखने हैं कि आप ये चेक देके गए थे और ये बैंक से मुझे पता लगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस पे जो आपका ये जो चेक है ये बाउंस हो गया है। अगर जिस दिन उनको वो कंपनी को वो चेक आपका वो लीगल नोटिस मिल जाता है, उसके लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अगर वो आपकी पेमेंट कर देते हैं तो वो मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होती है तो आप विद इन 30 डेज जिस दिन उन्होंने नोटिस रिसीव करा है उसके 30 दिन के भीतर आपको कोर्ट के अंदर कंप्लेंट डालनी है 138 धारा के तहत पे। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिला होगा। दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, रामविलास ठाकुर जी। रामविलास जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। चलिए, लगता है रामविलास जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट चुका है। बात यहाँ पर प्रोसीजर की ही चल रही थी, ये तो यहाँ पर बात हुई दर्शकों के सवालों के जवाब की, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है और वो पुलिस के चक्कर लगाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कभी चेक बाउंस हो जाता है, चक्कर पर चक्कर लगवाए जाते हैं। तो इसमें कोई शॉर्ट तरीका जिससे उनको न्याय भी मिल जाए, इंसाफ भी हो जाए, उनके साथ ज़्यादा परेशानी भी ना आए, ऐसा कुछ? हिमांशु जी, जो चेक बाउंसिंग के मैटर में जो कोर्ट प्रोसीजर होता है, बेसिकली जो चेक बाउंसिंग के जो मैटर्स होते हैं ये एक सिविल इन नेचर होते हैं, बट इनको क्रिमिनल अगर जो ये एक्ट है उन लोगों को पनिश करने के लिए जो
विलफुली ये काम करते हैं अपनी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, उन लोगों के लिए है। तो चेक बाउंसिंग में सबसे पहले कि आपको इसमें कोई FIR रजिस्टर नहीं होती है कि हमारा चेक बाउंस हो गया, आपको सिंपल एक लीगल नोटिस देना होता है। जिस दिन आपको बैंक से आपके पास एक मेमो आता है कि ये जो आपने चेक प्लेस करा था ये डिसऑनर हो गया है, उसका रीज़न है कि इसका चेक उसमें अकाउंट में सफिशेंट बैलेंस नहीं है, दैट इज़ इनसफिशेंट फंड्स के रीज़न ग्राउंड पे आपका जो चेक है बाउंस हो गया है, जिस दिन आपको पता लगता है उसके 15 दिन के समय सीमा के अंदर आपको ड्रॉअर को इन्फॉर्म करना है कि आपको एक नोटिस देना है राइटिंग में कि जो आपने हमें चेक नंबर दिया था वो बाउंस हो गया है बैंक से। और आपको जिस दिन ड्रॉअर को वो नोटिस रिसीव होगा उसके 15 दिन के अंदर ड्रॉअर के पास टाइम ये समय 15 दिन का समय होता है पेमेंट करने का ये अकाउंट में, ताकि वो अगर हम दोबारा उस चेक को प्लेस करते हैं बैंक के सामने वो 15 दिन का टाइम ड्रॉअर के पास होता है। अगर 15 दिन के समय के अंदर ड्रॉअर उस लाइबिलिटी को पूरा नहीं करता है तो 15 दिन के बारे में हम बात करेंगे, 15 दिन के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे साथ जम्मू से एक और दर्शक इस वक्त प्राची जुड़ चुकी हैं। प्राची स्वागत है आपका, आप अपना सवाल यहाँ पर रखिए। प्राची क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? पूछना चाहती हूँ कि यहाँ मेरा एक चेक बाउंस, हेलो जी हाँ सर बोलिए बोलिए बोलिए। तो सर ये मेरा चेक बाउंस का एक केस चल रहा था एक कोर्ट में, लेकिन इसका सर मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला उस केस का, हमारे फेवर में डिसीजन आया लेकिन जो अदर पार्टी थी उसने अपील फाइल कर दी। ये हमारा 2013 का केस था, अभी तक कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा सर इसका। सामने आपके फेवर में डिसीजन आया उसके बाद सामने वाली पार्टी ने अपील फाइल कर दी। अच्छा ठीक है, तो अब इनको क्या करना चाहिए? अगर अपील कोर्ट में लंबित है तो उन्होंने स्टे की एप्लीकेशन हो सकता है उनमें लगा दी और उनको स्टे मिल गया हो उस ऑर्डर पे, तो जब तक अगर जो सुनवाई अभी लंबित है अपेलेट कोर्ट में तो आप उस जो भी सुनवाई चल रही है आप उसको प्रोसीड करिए और कोशिश किए कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके ताकि आपको आपकी पेमेंट मिल सके। यानी आपको उसको आपको प्रोसीड करना ही होगा, आपको सुनवाई में जाना होगा और थोड़ा सा इंतजार आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंकिता जी अब वो 15 दिन की बात करते हैं, अगर 15 दिन में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, 15 दिन के अंदर अगर जो ड्रॉअर है वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो आपको देन ये जो आपकी समय सीमा है कोर्ट में कंप्लेंट डालने की जो सेक्शन 138 में डलती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, वो जो समय सीमा है वो 30 दिन तक है कि आपको कोर्ट में कंप्लेंट डालनी है। तो ये जो टाइम पीरियड है 15, 15 और 30 दिन का, आपको ये एक टाइम लिमिट इसमें फिक्स है, अगर 30 दिन से ऊपर टाइम हो जाता है तो आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है उसमें कि किस वजह से डिले हुई है। तो ये एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। उसके बाद में दूसरी पार्टी को जो ड्रॉअर है उनको समन्स जाते हैं और अगर वो कोर्ट में आने में नाकाम रहते हैं, अगली हियरिंग पे नहीं आ पाते हैं या विलफुली उसको अवॉइड कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू हो जाते हैं। ठीक है, दिनेश हमारे साथ मथुरा से एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिनेश जी स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। हाँ सर मैं नमस्कार मथुरा से बोल रहा हूँ। नमस्कार कहिए। हाँ सर एक मेरा प्रॉब्लम यह है, मेरे एक भाई हैं जो बिजनेस करते हैं। हाँ। तो उनका कोई 2 साल पहले एक चेक बाउंस हुआ है 18,000 रुपए का। अच्छा, तो उस बारे में क्या कर सकते हैं अभी हम? आपके भाई हैं जो बिजनेस करते हैं और 2 साल पहले का उनका एक चेक बाउंस हुआ है 18,000 का। हाँ उन्होंने किसी से लिया था 1,000 रुपए। अच्छा, मतलब उन्होंने किसी से लिया था और वो चेक बाउंस हुआ है, अब इसमें क्या किया जा सकता है? उसमें सबसे पहले जो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो लिमिटेशन टाइम है वो आपका पूरा हो चुका है, तो इसमें जो आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है वो है सूट फॉर रिकवरी का। तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ना जाके आप सूट फॉर रिकवरी में जाएं और तब आप अपने जो भी आपके केस के जो पूरे फैक्ट्स हैं वो आप अपने सूट में दाखिल कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला होगा, क्योंकि जो वक्त था वो यहाँ पर निकल चुका है, इसलिए आपको ये दूसरा ऑप्शन यहाँ बताया जा रहा है उसमें आप जाकर हेल्प अपनी ले सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैम, जिस तरह से यहाँ बात की जा रही है और निश्चित तौर पर कोर्ट इस मामले में काफ़ी सख्त है, जैसा कि बताया सिविल पूरा केस देखा जाता है लेकिन उसको ज़्यादातर क्रिमिनल में इसको देखा जाता है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि कोर्ट इसको लेकर कितना सख्त है यहाँ पर और किस तरह की कितनी सज़ा मैक्स टू मैक्स कितनी क्या सज़ा हो सकती है इसमें? जितने भी चेक बाउंसिंग के मैटर होते हैं इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वो 1 साल का है
और विद फाइन. इसमें जो फाइन है, बिकॉज ये जो भी ऑफेंस आते हैं, इसमें जो ऑफेंस कमिट होते हैं 138 में चेक बाउंसिंग के में, ये सारे इन सिविल नेचर होते हैं और सारे कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं. कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब कि विक्टिम और जो भी पीड़ित है और जो भी क्या कहते हैं वादी है, उनके बीच में यहाँ पे संभावना रहती है कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए. तो ये सिविल इन नेचर होता है. तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 1 साल का है और इसमें जो फाइन जो लगाया जाता है एक्यूज के ऊपर, उसमें जो फाइन होता है वो जितनी भी चेक का जो अमाउंट होता है उसका डबल हो जाता है. तो ये इसमें सजा का प्रावधान और फाइन का प्रावधान है. ठीक है, अमित हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं करनाल से. अमित स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले नमस्कार मैडम. ऐसा है, हमने जिन पार्टियों पे आज तक केस किए हैं आज तक किसी का समस्या का समाधान नहीं निकला. होता क्या है कि पार्टी अंतर भगोड़ा घोषित हो जाती है, पीओ कहते हैं. मैं भगोड़ा जी जी, एक बार फिर से आप अपनी बात रखिए. हमने जिस पार्टी पे केस किया, एक नहीं तीन पार्टियां ऐसी हैं, तीनों पे केस किया, तीनों ही पार्टियां भगोड़ा घोषित हो गई, जिसको कानूनी लैंग्वेज में पीओ कहते हैं. अच्छा, वो भगोड़ा घोषित होने के बाद मैं अब करनाल से हूँ, हरियाणा से, और पार्टी है फिरोजाबाद यूपी से, उत्तर प्रदेश से. तो यहाँ पे वकील ने मेरे को समन दिए जो भगोड़ा घोषित हो गए, उसके बाद वो कागज भी मुझे दे दिए. अब भगोड़ा घोषित होने के बाद मैं वहाँ पे फिरोजाबाद में ये थाना हजरतगंज में गए. थाना हजरतगंज कह रहे हैं कि हम अरेस्ट कर ही नहीं सकते जब तक आपके लोकल पुलिस वाले वहाँ के नहीं आएंगे, तब तक हम अरेस्ट ही नहीं कर सकते. अब लोकल पुलिस वाले यहाँ से वो कहते हम क्यों जाएं आपके साथ. और हर केस में यही समस्या आ रही है, हर केस में. अब कोई कांगड़ा से है उसको पकड़ने जाएं, अब दो दो साल से वो भगोड़े ही है, ना कोई उसको अरेस्ट कर रहा है. और फेसबुक अपने अकाउंट चला रहे हैं, फोन नंबर चला रहे हैं. इसमें आप बताएं अब क्या करें मैं. इसमें जो जो आपने बताया है कि वो पीओ डिक्लेयर हो गए हैं, पीओ डिक्लेयर होने की जो प्रोसीडिंग है उसमें जो आपकी जो स्थानीय पुलिस है, जो आपका कंसर्न थाना है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना होगा. और जो इसमें पुलिस का रोल ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है पीओ डिक्लेयर करने के बाद में, कि वो जिस जो भी एक्यूज है जिस स्थान में वो रह रहे हैं वहाँ की पुलिस को वो कांटेक्ट करे, और ताकि वो वहाँ से अरेस्ट कर सके. कि पीओ डिक्लेयर करने के बाद में एक पब्लिकेशन निकाल दिया जाता है न्यूज़पेपर में कि ये जो एक्यूज हैं, जो भी कंसर्न एक्यूज है, इनको पीओ डिक्लेयर कर दिया, दैट इज़ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. और वो वहाँ की कंसर्न पुलिस को यहाँ आपके यहाँ की लोकल पुलिस है वो कॉन्टैक्ट करे और वो अरेस्ट करे, तभी अरेस्ट इसमें पॉसिबल होगी. पुलिस को एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करना चाहिए. इनकी प्रॉब्लम यही थी कि दरअसल पुलिस को ये लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस से वो सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं 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 ऐसे ही चक्कर लगाते जा रहे हैं लेकिन इनका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है. यानी इनके पास लास्ट ऑप्शन अगर कहीं है तो वो पुलिस का ही है, यहाँ पर ये चीज़ कही जा सकती है. तो आप एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आप पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि उनको लोकल पुलिस के साथ में कॉन्टेक्ट करके उनको अरेस्ट किया जाए. चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिला होगा. और आज हमने चेक बाउंस से जुड़े हुए कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की है और हम साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि जो आम जनता है उनको उनके सवालों का जवाब मिला होगा. बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर लीगल हेल्पलाइन के जरिए मिली होगी कि चेक बाउंस में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. शुक्रिया गीता जी, आप यहाँ पर मौजूद हुए और यहाँ पर कई दर्शकों की समस्याओं का आपने समाधान किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो फिलहाल अभी के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही. कल फिर से किसी और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे आपकी समस्याओं के समाधान करने के लिए. तब तक के लिए नमस्कार.